दिस वीक ऑन बैक बेंचर्स, पाकिस्तान का जुनूबी बहरान, अली जफर का क्रिंज ओलंपिक्स में गोल्ड और अहमद शहजाद लविंग अहमद वेलकम टू बैक बेंचर्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आसिफ और मेरे साथ मौजूद हैं सलमान बट और मोहम्मद आमिर। क्या हाल है आप दोनों के? हाल ठीक ठाक ही है। कुछ बोल भी तो भाई, क्या हाल है? आपने फिक्सर से हमें मिलवा दिया, हम क्या बोले? ये इनकी गिल्ट बोल रही है, शर्म नहीं। बट खैर, शो का आगाज करते हैं। और पाकिस्तान की टीम अभी भी दुनिया के जनूब में बस फंस अटक गई है वहां जाके ना। ओह माय आशिक, ओह माय स्टॉक ऑफ थिंग, कोई वापसी का सीन ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से छलांग मार के अब न्यूजीलैंड में टीम आ गई है, जहाँ पे दो T20s हार चुकी है। और अल्लाह का सच्चा वादा, मैं टेस्ट मैचेस के लिए इतनी मुश्किलों से सुबह उठता हूँ, तो T20s के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था। तो मुझे आप लोग बताएं क्या चल रहा है मैचेस में। बस मुझे पता है हारा कौन है, उसके आगे तफसीलात अब आप भरें। अपडेट कोई ऐसी खास नहीं है, वही लास्ट वाली अपडेट है कि रोज़ उठो नहाओ पिटो और सो जाओ। तो पहले रेड बॉल में मार खा रहे थे, अब वही वाइट बॉल में मार खा रहे हैं। एक चीज़ लेकिन ज़रूर हुई है कि बॉब्जी द किंग की फॉर्म वापस आ गई है, 250s आ गई है। मैच नहीं जीत सके लेकिन चलो 50s तो हो गई, कोई तो स्कोर कर रहा है। फॉर्म वापस सही है, ठीक है जी। नहीं देखे, जब सीरीज शुरू होनी थी उससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया में अपना रिवायती हारे थे, तो लोग कह रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आगे जो सीरीज आने वाली है ना वो तो हमारा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट है। वो तो बस पाकिस्तान ऐसा है कि 4-5 T20 वर्ल्ड कप्स लेके बैठा हुआ है, हम तो जीतेंगे। गए आगे वही पुरानी कहानी। तो एक ही चीज़ अच्छी हुई है, बाबर की फॉर्म वापस आ गई है। एज अ बारबेरियन रिप्रेजेंटेटिव देख लें, बाबर की फॉर्म वापस आ गई। आप लोग नहीं कहना शुरू कर दिया अपने आप को, आप ये जरा और करें। खैर ठीक है, मतलब मैं ज़्यादा पंगे नहीं लेना चाह रहा इस सिचुएशन में। मतलब मेरी अकेली चीज़ जो हाइलाइट्स में वाजे हो गई हैं कि साइम अयूब एक इतना ज़बरदस्त और इतना, मतलब आई डोंट नो अगर पाकिस्तान में हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना सेक्सी बैटर है। नहीं नहीं, आप राहुल डेविड की तरह बोले, फोर लेटर वर्ड स्टार्ट्स विद एन एस। ओके, फोर लेटर वर्ड स्टार्ट विद एस एंड विद वाई, इंक्लूड एक्स। वो है साइम अयूब के लिए। मगर I feel के मतलब अल्लाह ना करे, you know, whatever, नजर वजर उतार ले, but के इतना अच्छा prospect, तो मतलब हमें सिर्फ अब सवाल ये पूछना है कि क्या injury या fixing या arrest या वो कराची से है। ओके, फिर तो उसका रिकॉर्ड सही रहेगा। वो वेल कुछ नहीं कहता यार, अब मतलब साहिब अयूब का मैं क्या कह सकते हैं हम लोग। चले लेकिन बैटिंग, जो बैटिंग स्टाइल है उस पर हम थोड़ा सा अपनी एजेंडा तो चला सकते हैं। अभी हमें भाई एजेंडा के बगैर, मतलब ऑनेस्टली कराची से हो या ना हो, इस लेवल का प्लेयर यार कि 9 लोग छक्के मार रहा है, हमारे तो लुक करके भी छक्के नहीं मारते। और फिर सबसे बड़ा मसला जो स्ट्राइक रेट वाला रहा था ना ओपनिंग पे, वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इन फॉर्म बैटर्स की स्ट्राइक रेट है उससे ज्यादा बेहतर, काफी बेहतर। और मतलब कि मगर ना कोई मुझे खौफ इस चीज का है कि आप अगर इमाम के साथ आपने 3-4 साल एक कॉम्प्रोमाइज किया तो आपकी अगली रिलेशनशिप साइन के साथ हो रही है, वो जंप इज टू बिग, इट्स टू लाइक यहाँ से वहाँ तक कम बात करें नजर लग जाएगी। अब ना आई डोंट नो, अब तक तो मतलब लग नहीं चुकी होगी। मैं तो मेरे लिए थी ना, जब 8 बॉलों पे, जब पहले मैच में जब 8 बॉलों पे 27 रन किए थे तो वो पीक हो गया था। इतना तो अच्छा कोई खेलता ही नहीं है, तो वही नजर तो वही लग गई। कोई अच्छा खेलता है या वो उसकी फॉर्म चली जाती है या वो टीम से चला जाता है। जैसे एक अभी बाहर बैठे हुए जिन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी भी लगाई थी। हाँ हाँ, तो आई मीन और वही है कि हमारे वो फ्लॉपी हैटेड डायरेक्टर साहब मोहम्मद हफीज, वो जरूर अपनी इसमें कुछ पंचायत करेंगे। मगर इस बार किसी का कर्स आएगा, इस बार ना टेक्नोलॉजी ना स्लिप, कोई तीसरा कर्स आएगा। मोहम्मद हफीज का कर्स साहब, हमने वो कैसे डिस्काउंट कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी, अभी आपने अच्छी बात निकाली, अभी एक बड़ी अच्छी पोस्ट चल रही थी कि सबके सबसे अच्छा डायरेक्टर कौन है। काफी लोगों ने नाम लिया, किसी जेम्स कैमरून का नाम लिया, किसी का नाम लिया, किसी ने हफीज का भी नाम लिया था।
आई थिंक वो बड़ा अच्छा हॉरर मूवीज के डायरेक्टर में आई थिंक मोहम्मद हफीज का नाम सारे फहरिस्त है. बट खैर ये तो मैदान में चल रहा था जिस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ किसी ने भी एफर्ट नहीं की फॉलो करने की. मगर मैदान से बाहर पिछला हफ्ता पूरा ऐसे गुजरा है जैसे क्रिंज ओलंपिक्स चल रहे हो ना. तो सबसे पहले जो ब्रॉन्ज मेडल जो जीतने वाले हैं वो मैं आई डोंट नो किसको ये मेडल जाता है. बट आप पहले खबर सुना देते हैं कि अफवाहें ये फैली हुई थी कि क्रिकेट विक्टोरिया जो ऑस्ट्रेलिया की एक डोमेस्टिक टीम है उन्होंने बॉब्जी द किंग को खुली ऑफर दी है कि भाई हमारी दो दो मेलबर्न की T20 टीम है रेनेगेड्स और स्टार्स, आपको जिसमें खेलना है खेल लो ठीक है, मतलब बाकी जो भी प्रोसीजर वगैरह है वो भूल जाओ सर आप खेलें. और उसके साथ साथ शेफील्ड शील्ड में भी आप 4 डे भी खेलो हमारे लिए, जिस टीम से खेलना है खेलो, खुली ऑफर है. और खबर का आखिरी हिस्सा ये था कि बाबर सोच रहे हैं कि ये जो ऐसी उन्हें खुली ऑफर मिली है भाई अगर पाकिस्तान की पाकिस्तान कौमी टीम की वो कमिटमेंट्स ना हो तो तभी खेलेंगे. और फिर अफसोस अगले दिन क्रिकेट विक्टोरिया के सीईओ ने खुद ट्विटर पे आके इस न्यूज़ को फेक करार दिया. तो अभी मतलब बारबेरियनिज्म का ये जो खुद ही आई थिंक कॉम के अंदर ही उन्हें ये बात का एहसास हो गया था. बात कह रहे कि एक सेकंड के पिछले हफ्ते अगर आपको याद हो तो एक किसी ने लिखी थी कि जी ये फला फला बारबेरियंस हमारी मुहिम के लिए बड़े बुरे एक्टर साबित होते हैं और फजूल में फड्डे लेते हैं ये करते हैं वो करते हैं, ज्यादातर यही था कि कोहली के साथ बदमाशियां कर देते हैं वो. मगर अब ये एक 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 जमाने में इंटरनेट से पहले बड़ी एक रिस्क फ्री जोड़ी थी कि आप ये फेंक दे किसी को नहीं पता चलेगा. मगर अब ये करना मतलब हम बाबर की जो बहुत ही मच क्रिटिसाइज्ड एजेंट जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब को उनसे मसला था या बारबेरियंस, किसकी गलती है इसमें चीफ बारबेरियन बताएंगे. देखिए पाकिस्तान के साबिक कप्तानों के बुरे दिन चल रहे हैं तो ये तो खुली खुली साजिश है ठीक है. कोई भी अपने अगेंस्ट ऐसी ही नहीं चलाता कि बाद में जो पता आके देख रिकी पॉन्टिंग के बल्ले में स्प्रिंग है, ये रिकी पॉन्टिंग ने बोला था नहीं ना, तो ये बाहर कैसे बोल सकता है. वो वही पाकिस्तानी मेंटालिटी हो गई ना कि बस आपको लग रहा है कि देखो हम तो पता नहीं कितना तरक्की कर चुके हैं और हमें बस अब कोई हमारे खिलाफ अभी साजिश होगी तो ही हमारा जो है ना कुछ बुरा हो सकता है, वरना हम तो पता नहीं कितना आगे निकल गए, हमें बड़ी जरूरत है कि कोई हमें नहीं. तो इसमें आई थिंक मैं इत्तेफाक ही करूंगा कि साजिश जरूर है मगर साजिश की बारबेरियंस नहीं है ना कि नहीं, ये खुला बाबर के फैन खुले नहीं, नहीं, ये एक सेकंड ये इन दोनों के ट्विटर हैंडल है कराची खटमल और अब्दुल अहद जावेद गए गए 100 फॉलोअर्स दोबारा. अच्छा मुझे ये बताइए इस लिस्ट में कोई नेशनलिटी भी की है फिर या ऐसा कुछ है. वही उन्होंने बल्कि खुद कहा था कि हम अपनी नेशनलिटी बारबेरियन कर देते तो हमारे इतने बुरे हालात चल रहे हैं कि आप बस आके संभाल लो कुछ भी. हाँ और मतलब कि जो बेस्ट पार्टी चलो अगर शेफील्ड शील्ड तक महदूद कर देते इस बात को तो आप कहते हैं हाँ यार मुझे समझ आता है अच्छा रेड बॉल खिलाड़ी है दुनिया के बेस्ट में से शामिल होता है. अगर आप ये भी कहते हैं कि अच्छा T20 भी ऑफर है तब भी वो, मगर कि यार उनका भी एक सिस्टम है उन्होंने ये तो भाई जिस टीम में खेलना है तुझे स्टार्स में खेलना है उसमें खेलो. बहुत ज्यादा शोएब अख्तर लेवल छोड़ी बहुत बिल्कुल 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 सही नाम लिया आपने, शोएब अख्तर लेवल छोड़ी ही थी ये. अच्छा फिर क्रिंज ओलंपिक्स के सिल्वर मेडलिस्ट जो थे वो, और बड़ा अफसोस होगा उनको सुन के यहाँ भी वो फर्स्ट नहीं आए, यहाँ भी उनको नजरअंदाज कर दिया गया, यहाँ भी प्लैटिनम पिक नहीं थे वो, सिल्वर पिक आ गया. सिल्वर मेडल MH शहजाद को जाता है. MH शहजाद के एक में अब आई एम श्योर वो खुद कहेंगे कि ये फेक कोट है या कुछ, मगर उनकी शख्सियत उनकी पर्सनैलिटी से आई थिंक काफ़ी बैठता है ये कोट. उन्हें कहा है कि जी विराट कोहली इज़ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, यू कैन नॉट कंपेयर विराट विद बाबर आजम और मी. मतलब क्या पूरी दुनिया में अगर कोई अकेला शख्स जो है जो विराट और अहमद शहजाद को कंपेयर कर रहा है तो उसका नाम अहमद शहजाद ही है. मतलब कि ये एटलीस्ट आपके पास है कि बाबर को तब भी आप जैसे बारबेरियंस जलील करवा दें मगर अहमद शहजाद ये थोड़ा सा इसमें ये है कि देखिए ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अहमद शहजाद ने अपने आप को कंपेयर किया है, ये तो हम पाकिस्तानियों ने जिस दिन से विराट कोहली ने एक जब हमें समझ आया ना कि विराट कोहली एक बड़ा प्लेयर है तो हमने तो हर दिन किसी ना किसी से कंपेयर किया है. सबसे पहले हमने उमर अकमल से स्टार्ट किया फिर अहमद शहजाद के ऊपर आए फिर हम फिर बाबर आजम के ऊपर आए, से एक नाम है जिसके ऊपर नहीं आया, फिर मैं दोबारा से एक एजेंडे की तरफ आ जाऊँगा. तो देर इज़ ओनली वन बैटर हु इज़ एक्चुअली बेटर देन विराट कोहली
वो है खुर्रम मंसूर ऑफ कोर्स। दुनिया के टॉप 10 प्लेयर है ना 50 ओवर क्रिकेट में, उसमें मैं वर्ल्ड नंबर 1। मेरे बाद विराट कोहली है जो छठी इनिंग में 100 करता है। वो सबको पता था कि वो कौन है, फिर वो आपको पता है कि इंडिया में क्या हालात है, डिलीट करवानी पड़ी है। एम एस आजाद का तो कोई पता नहीं क्या इनके दिमाग में ना, जैसे कोई चीज बैठ जाती है ना, आप एक उम्र में रुक जाते हैं। 2015 का वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो तो गलती से आईसीसी ने साइड बाय साइड कंपैरिजन कर दिया था, वो वही अटक गए हैं। वो कहते हैं मैं यहां से हिलूंगा ही नहीं। एम एस आजाद के माइंड में ना एक मूवी चल रही है जिसमें वही हीरो है, नहीं जिसमें उनका रोल ब्रैड पिट कर रहे हैं। तो एम एस शहजाद का ना आई थिंक हमारी तरफ से यही कि जो उनकी हर हरकत पे अंग्रेजी हरूफ तहजी का जो 25वां हर्फ है वो इस्तेमाल करना चाहिए। वाई मतलब आप क्यों कर रहे हैं? मगर खैर एम एस शहजाद तो जैसे कि हमने कहा सिल्वर मेडलिस्ट थे, गोल्ड मेडलिस्ट क्रिंज ओलंपिक्स के, और मतलब मैं आपको उम्मीद है कि आपको समझ आए ये कितना किस लेवल का क्रिंज है। क्योंकि अहमद शहजाद तो चले तब भी एक अपनी कंपैरिजन कर रहे हैं जो आईसीसी ने खुद भी की थी, एक शख्स जो है पिछले 7-8 सालों से अपना नाम जोड़ में 5 सालों से एटलीस्ट जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो है क्रिंज ओलंपिक्स के हीरो अली जफर। तो आपको थोड़ी पहले हम तफसील दे देते हैं कि पहले भी पीएसएल कैंपेन्स के दौरान अली जफर का नाम ऑर्गेनिकली जो है वो उस एंथम के साथ जोड़ना शुरू हो जाता है, और कभी भी उनको वही 5 सालों से अब एंथम नहीं मिला है। तो इस दफ़ा उन्होंने पहले वही कर रहे थे कि खुद ऐसे सवालों के जवाब दे रहे थे जो कोई उनसे पूछ नहीं रहा था, कि जैसे ही अहमद शहजाद भी कहता ना कि प्लीज़ मुझे और विराट को कंपेयर ना करें, तो अली जफर भी अक्सर कह रहे थे कि जी जी जो र्यूमर्स है मगर मैं नहीं कर रहा पीएसएल का एंथम, ठीक है आप नहीं कर रहे। उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों पहले ट्विटर पर एक पोल रखा और उस पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, और पोल में उन्होंने ये पूछा कि क्या मैं पीएसएल का अगर एंथम गाता हूँ तो वो पीएसएल के लिए फ़ायदेमंद है या उसके लिए नुकसानदेह है। और वोट्स जब आना शुरू हुए तो थोड़ी देर बाद अली जफर ने पोल डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद उन्होंने कहा कि देखा मैं दिखाना चाहता था कि उनके खिलाफ जो एजेंडा बन रहे हैं, लिखते हैं अ क्लियर बेट दे फेल फॉर यूजिंग एनी मींस और टूल्स टू शो देयर इन्फ्लुएंस ब्ला 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 ब्ला, थैंक यू फॉर एक्सपोजिंग योरसेल्फ। एक सवाल है मेरा, बाय कौन एक्सपोज हुआ है? इतना बड़ा हा हा स्माइली इमोजी सनग्लासेस ये वो, कौन एक्सपोज हुआ है? आपने किसी का नाम तक नहीं लिया है भाई, मतलब क्या ट्विटर के बॉट्स एक्सपोज हो गए? लेकिन ये वैसे बात तो सही है, नहीं ऑर्गेनिक ही है, मतलब देखिए इसमें आपको कोई पीआर तो नहीं दिख रही है, एक ही टाइम पे दो पोल के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ये देखिए फोटोशॉप को आप नहीं कंपेयर कर सकते पीआर को, तो ये दो अलग अलग चीजें कि इतनी ज्यादा आवाम ने आपकी ली हो कुल्लम यार, मतलब ये तो ये अपनी पेज पे आप पोल डाल रहे थे तो, और डिलीट भी कर दिया, वो ये मूवी बनाई खुद ही देखी ताली बजाई और चले गए। वो होता था याद है जब आपने शुरू शुरू में ट्विटर साइन अप किया था तो सबको ये लगता कि ये तो अपने आप से बात करने के लिए प्लेटफॉर्म है, तो वो अभी वही चल रहा है बस अभी, कि मैं ही मुझे गाना करना चाहिए नहीं करना, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने आपसे नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर पोल भी स्टार्ट कर दिया, खुद ही डिलीट भी कर दिया, खुद ही उसके ऊपर जवाब भी दे दिया, किसी ने इस पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। और बल्कि आज एक अखबार में भी खबर छपी है कि वो उनको इस साल की पीएसएल के लिए भी कमिटमेंट मिली, फिर उनसे वो छीन ली गई, उस पर बड़ा गुस्सा कर रहे हैं, और आर्टिकल में लिखा था कि इनका बड़ा करियर मुतासर हुआ है। बट एट द सेम टाइम आप अली जफर के सोशल पे जाएं तो हर वक्त कह रहे होते हैं अनदर सुपर हिट, थैंक यू फॉर ऑल द लव। अली में देखा था कल ही कोई सॉन्ग आया है नोरा फतेही के साथ अली जफर का, तो वो चीज़ें तो चल रही हैं इसमें, लेकिन फिर पीएसएल में भी तो फिर एक्टिव हो रहे हैं ना आपको, मतलब या तो आप हमें बता दें कि आपने किसको बेनकाब किया है, दे क्या किया है, और दूसरा कि अगर आपको पता ही था ये हो रहा है तो फिर आप चुपचाप बैठे रहते हैं। नहीं वैसे ये एक्सपेक्टेड था, जैसे बारिश में मेंढक आते हैं वैसे पीएसएल सीजन में, वैसे 100%, क्योंकि मैं यही देख रहा था पिछले हर पीएसएल में जो है उनकी कोई ना कोई उस दौरान ट्वीटें आना शुरू करती है। बट आप दोनों इससे मुत्तफिक हैं कि ब्रॉन्ज जा रहा है बारबेरियंस, सिल्वर अहमद शहजाद और गोल्ड, बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से, ये अब अगले हफ्ते भी देखना चाहिए, अगले हफ्ते मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है इसमें से भी कोई एक मेडल इसमें से भी निकला है। बिल्कुल बिल्कुल, मोहम्मद हफीज का हमने नाम नहीं लिया है तो आप एक बार पीएसएल शुरू होने दे,
आपको रोज मेडल मिलेंगे। आई थिंक कि हाँ, ये हम शायद ये सेगमेंट आगे रखेंगे क्रिंज ओलंपिक्स का, बट उम्मीद है कि अगले हफ्ते हमें आपको कोई क्रिंज बातें नहीं बतानी पड़ेंगी। ऑल्दो अगर नहीं बता रहे होंगे तो हमारा कंटेंट कहाँ से आएगा। हमारे शो के इंस्टाग्राम और ट्विटर पेजेस को प्लीज़ फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे दुनिया डिजिटल के पेज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एट्सेट्रा एट्सेट्रा करें। दिस इज़ ऑल वी हैव फॉर दिस वीक फ्रॉम मी अहमद नकवी, अहद एंड रिहा। वी गोइंग टू से गुडबाय, कैच अस अगेन नेक्स्ट वीक ऑन सारे मिल के हमको पागल बना रहे। मेरी माँ प्यारी प्यारी बहनों, ये कौन इस झंडे को फरोख दे रहा है।